लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनना लगभग तय है, जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ दिग्गज नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनना तभी संभव है जब मोदी एनडीए की सारी शर्तें मान लें। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, तो वहीं कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। इसी के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के कई बड़े दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, फग्गन सिंह कुलस्ते के नाम शामिल है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी वासी चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के नेताओं को स्थान मिलना चाहिए, लेकिन यह चीज तभी पूर्ण होगी तब सरकार बनेगी। एनडीए का नेता चुन लिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की शर्त रखी है। वहीं नायडू ने शर्त रखी है कि वह आंध्र प्रदेश में 4% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात पर सहमत हैं? ये मध्य प्रदेश के नेताओं को स्थान मिलना चाहिए, ये तो सभी मध्य प्रदेश के वासी चाहेंगे, लेकिन ये चीज पूर्ण तो तब होगी जब सरकार बनेगी। अभी सरकार की जो है सरकार ने राष्ट्रपति महोदय को जो समर्थन के पत्रों के साथ जो है नेता के चुनाव की बात हुई, नेता तो चुन लिया गया काय का एनडीए का, लेकिन उसके बाद उसमें शर्त ये रखी गई है कि राष्ट्रपति से तब मिलेंगे जब हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेंगे। नीतीश कुमार जी ने शर्त रखी है, तो पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो जाहिर करे भारतीय जनता पार्टी और कि हमने ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, इसके ऊपर सरकार चलेगी। गारंटी देकर आए हैं अपने नायडू साहब आंध्र प्रदेश में कि वो सरकार बनते ही जो है 4% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। तो क्या प्रधान नरेंद्र मोदी जी इस बात पर सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी सहमत है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।